Hey guys, this is Samrat, you are watching TechHaul. So, दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये Android मोबाइल में जो भी ऊपर में जो सेटिंग आता है शॉर्टकट सेटिंग आता है इसमें अपना फोटो कैसे लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, फोटो बताएंगे कैसे आप सेटिंग कर सकते हो एज वेल एज दोस्तों स्टेटस बार का जो कलर होता है कैसे आप चेंज कर सकते हो। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक देखना क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक होने वाला है। अगर आप अपने मोबाइल में अपना शॉर्टकट सेटिंग में जो भी ऊपर से मोबाइल डाटा या वाईफाई वगैरह आप ऑन करते हो स्लाइड करके उसमें अपना फोटो लगाओगे, कोई भी पर्सन कोई भी फ्रेंड आपका मोबाइल लेगा, आपका मोबाइल में देखेगा आपने फोटो जो भी लगाया है शॉर्टकट सेटिंग में, देन दोस्तों आपसे जरूर पूछेगा आपने कैसे किया। सो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। तो चलिएगा बिना टाइम वेस्ट किए फाइनली वीडियो को हम शुरू करते हैं। वेल दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि दोस्तों अगर आप स्किप करते हो कोई भी स्टेप मिस होगा देन गाइस ये जो सेटिंग हम बता रहे हैं ये सेटिंग आपसे नहीं हो पाएगा, फिर कमेंट करोगे दिस डैट ये ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ या फिर आपसे नहीं होगा कमेंट करोगे। सो वीडियो को पहले ही बता दे रहे हैं वीडियो को स्किप मत करना। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से एक बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसलिए आप क्लिक करके डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों जब आप प्ले स्टोर में आओगे यहां पे दोस्तों आप लिखोगे नोटिफिकेशन बार कस्टमाइज स्टेटस बार चेंजर, देन दोस्तों ये एप्स आपको मिल जाएगा। इसका आइकन वगैरह आप देख सकते हो, ये दोस्तों हम पहले से इसको डाउनलोड और इंस्टॉल अपने फोन में कर चुके हैं। वेल दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा दें ये हो गया एप्स जो हमने डाउनलोड कर रखा है, राइट। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने फोन में ये एप्स को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद इंस्टॉल हो जाने के बाद इसको आपको ओपन करना है। ओपन करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का प्रोसेस आएगा। गाइज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा एक बटन जो होगा स्टार्ट, ये स्टार्ट वाला बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ परमिशन देना होगा, जैसे कि आपको दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक मॉडिफाई सेटिंग, दूसरा होगा दोस्तों यहाँ पे कैमरा और यहाँ पे स्टोरेज का है, जिसको यहाँ पे आपको टिकआउट पे ये टिकआउट जो आप देख रहे हो इस पे चेक वाला बॉक्स पे क्लिक करके टिकआउट करना है, परमिशन दे देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके इसको परमिशन अलाउ कर देते हैं। जैसे कि आप दोस्तों आप देख सकते हो अलाउ कर चुके हैं और एक और बाकी है जिसको हम भी अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करते ही हम पहुँच गए हैं यहाँ पे अलाउ मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग, आपको इसको इनेबल कर देना है, राइट। इनेबल करते ही दोस्तों ये इनेबल हो जाएगा। एक बार बैक बटन दोस्तों यहाँ पे बैक आ जाना है, जैसे कि हम क्लिक करके बैक आ जाते हैं। बैक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे दोस्तों जो एप्स का सेटिंग था जो भी परमिशन था हम दे चुके हैं, अब फाइनली एप्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको गाइज हम आपको बता दें एक हो गया नोटिफिकेशन बार, जैसे कि आप देख रहे हो गो टू कस्टमाइज लिखा हुआ है। यहाँ से दोस्तों अगर आप गो टू कस्टमाइज वाला बटन पर क्लिक करते हो देन गाइज नोटिफिकेशन बार पर आप फोटो अपना लगा पाओगे। आई मीन टू से दोस्तों जो भी मोबाइल डाटा वाईफाई हॉटस्पॉट जो भी आप शॉर्टकट सेटिंग देखते हो स्लाइड करके अपने फोन में वहाँ पर फोटो लगा पाओगे। अगर आप यहाँ पे स्टेटस बार में जाओगे गो टू कस्टमाइज वाला बटन पे क्लिक करोगे देन गाइस जो स्टेटस बार होता है जो ऊपर का ये कलर देख रहे हो इसका कलर आप चेंज कर पाओगे। ओके गाइस हम दोनों करके आपको दिखाने वाले हैं। सो फटाफट यहां पे दोस्तों एक फोटो लगाते हैं, यहां पे गो टू कस्टमाइज वाला बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो यहां पे आ चुका है नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन थीम्स, यहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों यहां पे आपको दिखा दें कुछ चीज। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो एक हो जाएगा वॉलपेपर और दूसरा हो जाएगा गैलरी। अगर आप गैलरी वाला ऑप्शन को चूज करते हो देन गाइस अपने गैलरी से कोई भी फोटो को यहाँ से फोटो चूज करोगे, फोटो चूज करके वो उसको कस्टमाइज लगा सकते हो। यहाँ पे दोस्तों वॉलपेपर वाला ये जो वॉलपेपर देख रहे हो इसको यूज नहीं करना है क्योंकि दोस्तों आप यूज कर सकते हो इसमें बहुत सारा वॉलपेपर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे चूज इमेज फ्रॉम गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आप फोटो एल्बम कोई भी चूज कर लो, यहां से दोस्तों एक फोटो चूज कर लो। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो हम एक फोटो चूज कर चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे पे क्रॉप वाला बटन है, अगर आप क्लिक करके इस पे क्रॉप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये जो फोटो है हम फाइनली चूज कर चुके हैं। नीचे में आपको मिल जाएगा एक ग्रीन बटन, आप ग्रीन वाला बटन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना फोटो चूज कर लेना है, फोटो चूज करने के बाद कौन सा फोटो आप लगाना चाहते हो उसके बाद दोस्तों ग्रीन वाला बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे जो हमने चूज किया है जो फोटो हमने सेट किया है फाइनली लग चुका है। अब दोस्तों आपको दिखा दें जैसे कि हम स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड करते हैं दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे वाईफाई डाटा बिक रहा है और दोस्तों ये फोटो लगा है। दोस्तों आप देख सकते हो कितना बेहतरीन ये शो कर रहा है। जब भी हम स्लाइड कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों प्लेन मोड कैलकुलेटर वगैरह या फ्लैश लाइट वगैरह टोटली हमारा शॉर्टकट सेटिंग है, यहाँ पे दोस्तों ये फोटो सेट हो चुका है, कितना बेहतरीन लग रहा है। एक बार और बैक हम जाते हैं और दोस्तों एक और चीज आपको करके दिखा रहे हैं। अगर दोस्तों हम सेट करते हैं स्टेटस बार, जैसे कि आप देख रहे हो ये स्टेटस बार कस्टमाइज है, इट मीन्स दोस्तों ऊपर का जो कलर आप देख रहे हो ये जो टाइमिंग वगैरह मोबाइल डाटा
वगैरह, बैटरी वगैरह, जो भी यहाँ पे कलर है ये कलर चेंज कर सकते हो। फटाफट इसको भी करके दिखा दें। सपोज हम दोस्तों यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं, उसके बाद दोस्तों ग्रीन करते ही उसके बाद आपको क्या करना है, सेट थीम्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर में आप देख सकते हो, ऊपर में आपको मिल जाएगा एक इनेबल करने के लिए बटन, इनेबल वाला बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों ऊपर में आप देख सकते हो फाइनली हमारा स्टेटस बार वाला जो भी हमारा कलर है ये चेंज हो चुका है, ग्रीन में बदल चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये ऐप्स को बंद कर देना है। और गाइस यहां पे देख सकते हो फाइनली जो भी हमने आपको बताया ये स्टेटस बार, जो भी आप कलर देख रहे हो ये चेंज हो चुका है। और दोस्तों अगर हम स्लाइड करते हैं यहां पे, दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो स्लाइड करते ही बैकग्राउंड में यहां पे दोस्तों लग चुका है ब्लूटूथ मोबाइल डाटा वाईफाई वगैरह जो भी यहां पे सेटिंग है, शॉर्टकट सेटिंग है, इसके बैकग्राउंड में यहां पे ये फोटो लग चुका है। आप भी अपना फोटो लगा सकते हो, अपना मोबाइल का एक नया सा यूनिक लुक दे सकते हो। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।